सबसे प्यारी बहन है। यदि उसका ब्याह मथुरा में हो तो हमें प्रसन्नता होगी, परंतु क्या वसुदेव जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? अवश्य युवराज, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं, मुझे इस संबंध से प्रसन्नता होगी, परंतु मैं पिताश्री की आज्ञा लिए बिना अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। हम तुम्हारे मर्यादा से अति प्रसन्न हुए कुमार वसुदेव। उचित तो यही है कि गुरुदेव और बड़े भैया देवक को साथ लेकर हम स्वयं महाराज शूरसेन और महारानी की सेवा में उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना करें कि हमारी कन्या को वो अपने पुत्रवधु के रूप में स्वीकार कर लें। राजन, मैंने एकांत में त्रिभुवन के समस्त प्रधान पुरुषों की कुंडलियों पर विचार किया है, परंतु देवकी के लिए वसुदेव के अतिरिक्त और कोई पात्र तीन लोक में नहीं है। ये एक दिव्य संबंध दिखाई देता है। तो रानी, और क्या चाहिए? ये हमारा सौभाग्य है कि महाराज उग्रसेन स्वयं इस रिश्ते की बात लेकर आए हैं। फिर सोचने की बात क्या रह जाती है, जब इन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो और क्या चाहिए। महर्षि, इस विवाह से वो दोनों सुखी तो होंगे ना? देवी, सुख दुख तो मन के समझने की वस्तु है। संसार में न सच्चा सुख है न सच्चा दुख। आप सच्चे मन से इन दोनों को आशीर्वाद दें कि जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए देवकी और वसुदेव का जन्म हुआ है, भगवान उसे सफल करें। तथास्तु। देवक भैया, अब आप दोनों पति पत्नी जाकर अपने जवाई राज का तिलक करें। हम ये कैसे भूल जाएं कि आज राज्यसभा में महाराज ने आपके साथ न्याय नहीं किया। शासन का एक ही नियम है कि शासक से लोग भयभीत रहें, परंतु महाराज इस बात को नहीं समझते। जिन्हें डरा धमका कर रखना चाहिए, उन्हीं के सामने उन्होंने आपको अपमानित करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। यह महाराज की भूल है। ये लोग जो बोलते हैं वो महाराज की शय पर ही बोलते हैं, अन्यथा वो हमारी शक्ति को भलीभांति जानते हैं। चाणूर, हम तुमसे सहमत हैं कि संघ की एकता केवल मीठी बातों से नहीं बनती। भय, केवल भय ही प्रजा को राष्ट्रभक्त बनाए रखता है। जिस प्रजा को राजा का भय ना हो वो उसके सर पर चढ़ जाती है। ये सब बातें हमें महाराज को समझानी पड़ेंगी, परंतु आज ये बातें ना करो। कल हमारी देवकी का विवाह है, ये विवाह हो जाने दो, फिर महाराज को मैं समझा दूंगा कि राज्य कैसे चलाना चाहिए। सुना तुमने, राजकुमारी देवकी का विवाह महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव से हो रहा है। अच्छा, बड़ा शुभ समाचार है। सुना है युवराज कंस अपनी इस बहन से बहुत स्नेह करता है, न जाने कैसे कैसे उपहार इकट्ठे किए हैं इस बहन को देने के लिए। आज राजमहल में क्या चहल पहल होगी। Okay.
कुक्रिंशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुमृतं सुचक्रं आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्य अनन्द्रिक्षरा ऋजवासन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासं भगुनो निनीयात् संजासपत्यं स्वयमस्तु देवा। बेटी, तेरे भाग्य की तुलना किसी और से नहीं हो सकती। इतना अच्छा ससुराल, ऐसा सत्यवादी पति, भगवान करे तू सदा सुखी रहे। ना बेटी, ऐसे शुभ अवसर पर रोती नहीं बेटी। मां, क्या बात है बेटी, कुछ कहना चाहती हो? मां, जाने क्यों मन में एक भय सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई अशुभ होने जा रहा है, कोई घटना घटने वाली है। मां, मुझे भय लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है काकी। हां काकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरे मन में भी जाने क्यों एक अज्ञात सा भय सिर उठा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बड़ा भाई होकर इसे सांत्वना देने की जगह तो इसे और भी भयभीत कर रहा है। तेरे जैसे योद्धा को तो भय का नाम भी नहीं लेना चाहिए बेटा। आप ठीक कहती हैं काकी, परंतु मोह का बंधन ऐसा होता है जो बड़े बड़े सूरमाओं के मन को भी चंचल कर देता है। आप तो जानती हैं कि देवकी पर मेरा सर्वाधिक मोह है। इसे मैंने कभी चचेरी बहन नहीं समझा, सदा अपनी सगी बहन की तरह ही माना है। इसीलिए इसे विदा करते समय
ये जो किसी अनहोनी की आशंका मन में सिर उठा रही है, इससे मुझे चिंता होने लगी है। कहीं देवकी का कोई अहित तो नहीं होने वाला? हाँ, वैसे तो इसके ससुराल को अच्छी तरह से देखभाल करके ही ये विवाह हुआ है। कुमार वसुदेव में भी कोई अवगुण नहीं दिखता। यदि फिर भी ससुराल में तुम्हें कोई कष्ट हो, कोई वहां तुमको व्यवहार से, बातों से अथवा किसी और प्रकार से दुख देने की कोशिश करे, तो उनको कह देना कि तुम महाबली कंस की बहन हो। कोई टेढ़ी आंख तुम्हारी ओर उठी तो वो आंख निकाल दूंगा। कोई हाथ तुम्हें पीड़ा देने के लिए उठा, वो हाथ काट दूंगा। तुम्हें इसी बात की सांत्वना देने आया हूं कि तुम्हारे ससुराल में किसी का साहस नहीं हो सकता कि तुम्हारी ओर टेढ़ी आंख करके देखे। तू कंस की बहन है, ये सदा याद रखना। बस यही कहना था मुझे। देख बेटी, जो भाई ने कहा वो कभी याद न रखना। इससे न तू सुखी रहेगी, न तेरा ससुराल सुखी होगा, और ना ही तेरा कभी घर बसेगा। ससुराल में जाना तो मैके को भूल जाना, क्योंकि अब वही तेरा घर है। उस घर में तेरे जाने से सुख की वृद्धि हो, यही तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वहां यदि कोई तेरे विपरीत भी हो, तेरा अहित चाहता हो, तो उसे भाई के जोर से नहीं, अपनी सेवा और स्नेह के जोर से अपने अधीन कर लेना। सेवा और स्नेह यही नारी जीवन के मूल आदर्श हैं। जैसे स्त्री जब मां बनती है तो जिस प्रकार ममता के मारे अपने बालक की सेवा भी करती है और इसे अपने स्नेह के आंचल में बांधे रखती है, यही व्यवहार उसे पत्नी और पुत्र वधु के रूप में भी करना चाहिए। जो नारी आदर्श की सीढ़ी पर खड़ी होती है, वही घर में सबसे ऊंची दिखती है, और उसी की वहां पूजा भी होती है। बेटी, मेरे ये विदा के वचन भूल ना जाना। इन्हें माला बना के अपने गले में डाल लो बेटी।
आयुष्मान भव। कुमार, आज तक ही हमारी थी, आज से तुम्हारी हो गई। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। वत्स, पत्नी पति का आधा अंग होती है। आपत्काल में अपने शरीर, अपने प्राणों से भी पहले पत्नी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है। जिस प्रकार धरती अपने समस्त बालकों का बोझ उठाकर चलती है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी अपने पति के कुल की मर्यादा को अपने कंधों पर लेकर चलती है। सो जिस प्रकार मनुष्य धरती को पूजता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए पत्नी भी पूज्य होती है। सदा सुखी रहो कुमार वसुदेव। देवकी मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। तुम्हारा रथ चलाकर तुम्हें कुमार के महल तक छोड़ आता हूं। चलो बहन। उसके लिए वो सारथी बनने को भी तैयार है। वैसे तो कंस कितना क्रूर है, परंतु बहन फिर भी बहन ही होती है। सुना है कुलगुरु गर्ग ने कुंडली देखकर कहा है कि देवकी के गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसे मानव जाति युगों युगों तक याद करेगी। भगवान करे ऐसा ही हो।
कंस, हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के आठवें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता या वस्य बुधः, इसका आठवां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का अष्टम गर्भ मुझे मार डालेगा? हा, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की आठवीं संतान मार डालेगी। बात दे दिया तो और क्या चाहिए? महर्षि, इस विवाह से वो दोनों सुखी तो होंगे ना? देवी, सुख दुख तो मन के समझने की वस्तु है। संसार में न सच्चा सुख है न सच्चा दुख। आप सच्चे मन से इन दोनों को आशीर्वाद दें कि जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए देवकी और वसुदेव का जन्म हुआ है, भगवान उसे सफल करें। तथास्तु। देवक भैया, अब आप दोनों पति पत्नी जाकर अपने जवाई राज का तिलक करें, की सेवा में उपस्थित होकर उनसे प्रार्थना करें कि हमारी कन्या को वो अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर लें। राजन, मैंने एकांत में त्रिभुवन के समस्त प्रधान पुरुषों की कुंडलियों पर विचार किया है, परंतु देवकी के लिए वसुदेव के अतिरिक्त और कोई पात्र तीन लोक में नहीं है। ये एक दिव्य संबंध दिखाई देता है। रानी, और क्या चाहिए? यह हमारा सौभाग्य है कि महाराज उग्रसेन स्वयं इस रिश्ते की बात लेकर आए हैं। फिर सोचने की बात क्या रह जाती है जब इन्होंने आशीर्वाद। तुमसे सहमत है कि संघ की एकता केवल मीठी बातों से नहीं बनती, भय, केवल भय ही प्रजा को राष्ट्रभक्त बनाए रखता है। जिस प्रजा को राजा का भय ना हो वो उसके सर पर चढ़ जाती है। ये सब बातें हमें महाराज को समझानी पड़ेंगी, परंतु आज ये बातें ना करो। कल हमारी देवकी का विवाह है, ये विवाह हो जाने दो, फिर महाराज को मैं समझा दूंगा कि राज्य कैसे चलाना चाहिए। सुना तुमने, राजकुमारी देवकी का विवाह महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव से हो रहा है। अच्छा, बड़ा शुभ समाचार है। से प्यारी बहन है, यदि उसका ब्याह मथुरा में हो तो हमें प्रसन्नता होगी, परंतु क्या वसुदेव जी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? अवश्य युवराज, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं, मुझे इस संबंध से प्रसन्नता होगी, परंतु मैं पिताश्री की आज्ञा लिए बिना अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। हम तुम्हारे मर्यादा से अति प्रसन्न हुए कुमार वसुदेव। उचित तो यही है कि गुरुदेव और बड़े भैया देवक को साथ लेकर हम स्वयं महाराज शूरसेन और महारानी, हम ये कैसे भूल जाएं कि आज राज्यसभा में
महाराज ने आपके साथ न्याय नहीं किया। शासन का एक ही नियम है कि शासक से लोग भयभीत रहें, परंतु महाराज इस बात को नहीं समझते। जिन्हें डरा धमका कर रखना चाहिए, उन्हीं के सामने उन्होंने आपको अपमानित करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। ये महाराज की भूल है। ये लोग जो बोलते हैं वो महाराज की शय पर ही बोलते हैं, अन्यथा वो हमारी शक्ति को भलीभांति जानते हैं। चाणूड़,